हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट, इजी, इंस्टेंट और खिला खिला दानेदार स्ट्रीट स्टाइल रवा उपमा या सूजी का उपमा। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन या कढ़ाई। यह मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक कप या एक कटोरी सूजी। यह नॉर्मल सूजी लिया है, ये ना तो ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटा। हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और अब हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए सूजी को भून लेंगे। सूजी का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। सूजी को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सूजी का कच्चापन ख़त्म हो गया है और इसमें हल्का ब्राउन कलर भी आ गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सूजी को निकाल लेंगे। उपमा बनाने के लिए हम कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, हम इसमें 1/2 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और दाने को क्रैक होने देंगे और 1 चम्मच चने की दाल डालेंगे। और अब इसमें 2 चम्मच मूंगफली या पीनट डालेंगे और तेल में चलाते हुए सभी इंग्रेडिएंट को मिला लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक डालने से उपमा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। यह मैंने प्याज को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखा था। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे, बारीक कटा हुआ 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और अब सभी इंग्रेडिएंट को चलाते हुए तेल में 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। सब्जियों को तेल में चलाते हुए फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गया है और सब्जी हमारी सॉफ्ट भी हो गई है। और इस टाइम पे हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। यह मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ता लिया है और हम फिर से एक बार सब्जियों को मिला लेंगे कड़ी पत्ता के साथ। 1 मिनट के लिए कड़ी पत्ता को भी सब्जियों के साथ अच्छे से पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे या 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से सब्जी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी पक जाएगी। सब्जी हमारी अच्छी तरह फ्राई भी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। इस टाइम पे हम इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी लिया था, उसके हिसाब से हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। सूजी का 1.5 गुना पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और पानी में उबाल आने देंगे या पानी को बॉईल होने देंगे। ये देखिए पानी बॉईल हो गई है और सब्जियां हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इस टाइम पे हम इसमें भुना हुआ सूजी ऐड करेंगे। सूजी डालते समय गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे सूजी को इस तरह चलाते हुए हम मिला लेंगे। सूजी डालकर मीडियम फ्लेम पे उपमा को हम पकने देंगे। सूजी पानी सोख लिया है, इस टाइम पे हम इसे इस तरह कंटिन्यू मिलाते हुए चलाएंगे जिससे उपमा हमारा बिल्कुल खिला खिला और परफेक्ट दानेदार बनके तैयार हो। ये देखिए उपमा को यहाँ मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही ढककर मात्र 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है, हम उपमा को चेक कर लेंगे। ये देखिए सूजी हमारा पानी सोख लिया है और अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, होटल जैसा या रवा उपमा, सूजी का उपमा बिल्कुल परफेक्ट हमारा बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे चलिए प्लेट में सर्व कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, उपमा हमारा बिल्कुल परफेक्ट खिला खिला और दानेदार बनके तैयार हुआ। आप इसे चटनी के साथ, सांबर या फिर ऐसे ही खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।